स्पॉन्सर्ड बाय बीआरसी छत्री डेसिकेटेड कोकोनट सुपर पाउडर। अजमेर रीट परीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस, परिवहन सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर हो रही बैठक, जयपुर से मुख्य सचिव और बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा की जा रही वीडियो कॉन्फ्रेंस। 26 सितंबर को आयोजित होगी प्रदेश में रीट की परीक्षा। 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी एक समय में देंगे रीट परीक्षा। अजमेर संभागीय आयुक्त IGSP सहित जिले के तमाम अधिकारी भी जुड़े VC के माध्यम से। नवभारत समाचार अजमेर, राजस्थान से कैलाश व्यास की रिपोर्ट। आज बैठक हुई है, रीट को लेकर भी चर्चा हुई। किस आगामी 26 सितंबर को पूरे राजस्थान में रीट परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिसमें अजमेर जिले में करीब 58,400 कैंडिडेट बैठेंगे। आसपास के जिलों के और बाहर के जिलों के भी आएंगे और लगभग 15,000 से 20,000 कैंडिडेट यहाँ से भी बाहर जाएंगे। एक ही दिन में परीक्षा आयोजित होनी है, लंबा मूवमेंट है, संख्या बहुत ज़्यादा है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बिंदु पे माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई और सरकार के स्तर पे जो डायरेक्शन जारी किए गए हैं उनकी पूरी तरह पालना करेंगे। जहाँ तक पुलिस प्रबंध का सवाल है, प्रत्येक सेंटर पे हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 सिपाही, 2 होमगार्ड और महिला कांस्टेबल, अगर 2 उपलब्ध नहीं है तो कम से कम 1 महिला कांस्टेबल प्रत्येक सेंटर पे लगे। जहाँ प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे उनकी सुरक्षा पर्याप्त होगी और उनके परिवहन के समय भी पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा। इसके अलावा जो बाहर के गैंग जो इसमें नकल करवाने की संभावना बनती है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संभावना बनती है, उन सब पे हमारी पहले से निगाह है। सादा वस्त्रों में पुलिस कर्मी हम तैनात करेंगे, संचार के जो माध्यम हैं, साधन है, उन पे हमारी निगाह रहेगी, सोशल मीडिया पे निगाह रहेगी और जनरली जो ब्लूटूथ का प्रयोग करके व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं उस पे भी हमारी निगाह रहेगी। और हम इसके बारे में पूरी तरह चाक चौबंद हैं। अजमेर ज़िले में एक एक्स्ट्रा और हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा के बाद पूरे राजस्थान से OMR शीट, आंसर शीट जो है वो पूरे जिलों से यहाँ आएंगे, तो रात भर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमको पर्याप्त पुलिस व्यवस्था करनी पड़ेगी, यातायात व्यवस्था सुगम बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आगामी कुछ दिनों में और हमें बची तैयारियां पूरी करके और अच्छी व्यवस्था।